हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके सामने एक नए ट्रिक के साथ मैं आ चुका हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लॉक रीजनिंग ट्रिक सिखाऊंगा। ये क्लॉक रीजनिंग ट्रिक के अंदर क्या क्या सिखाने वाला हूं तो आइए आपको बताता हूं। देखिए इस घड़ी को, इस घड़ी में 4 बजे है, तो इस 4 बजे है तो इन दो कांटों के बीच में कितना एंगल बना है वो आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो ये सब चीज सिखाने वाला हूं। चाहे घड़ी में 3 बजे उसमें क्या एंगल बनेगा, चाहे 7:20 हो तो उसमें कितना एंगल बनेगा, तो ये सब चीज मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और ऐसा शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया, इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड एट 5:00। मतलब 5 बजे है तो इन दो कांटों के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो आपको निकालना है, तो क्या करोगे। सिंपल लॉजिक है, जितना पूछा जाए उस पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना है। तो यहां पर 5 पूछा हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। अब देखिए और एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं कि फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड एट 7:00। तो क्या करोगे आप, सिंपल 7 × 3 = 21, मतलब 210 डिग्री हो गया आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर 8 बजे हो तो 240 डिग्री, 10 बजे हो तो 300 डिग्री, 2 बजे हो तो 60 डिग्री, ऐसे आंसर निकालोगे आप। तो यही सिंपल लॉजिक है, जितना बजे बोला हो उसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देना है। सिंपल। चलिए अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये तो समझ गए हम लोग, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो कि 10:30, 11:20, 7:25 ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए भी ट्रिक है, पूरी वीडियो को देखना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो चलिए दोस्तों आपके लिए टाइप 2 लेके आ गया हूं। देखिए टाइप 2 में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर पूछा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड एट 8:40। मतलब घड़ी के अगर 8:40 हुए हैं तो इन दो सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा वो आपको निकालना है। तो ये सब निकालना आसान नहीं होता है, कुछ चीजें आपको याद रखनी होती है। तो क्या याद रखोगे, देखिए ये चीज याद रखोगे, 30h - 11/2 और यहां पर m। अब आपको पता चल गया ये क्या होता है, h मतलब होता है r होता है, जैसे हिंदी में घंटा कहते हैं हम लोग, और m मतलब क्या होता है, मिनट होता है। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हुआ कि ये इतना भयानक फॉर्मूला याद कैसे रखे। सिंपल लॉजिक सिखाने जा रहा हूं। देखिए एक कहानी सुनाऊंगा जिससे ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा। देखिए यहां पर आप यहां पर लिखोगे h लिखोगे, फिर यहां पर आप m लिखोगे, फिर अपने दिमाग से सवाल पूछोगे कि घड़ी में कितने कांटे होते हैं, दिमाग जवाब देगा कि 3 कांटे होते हैं, तो यहां पर आप 3 लिख दोगे, और घड़ी का शेप जो है वो क्या होता है, गोल होता है। देखिए ये चीज हो गया। उसके बाद आप देखोगे m को देखोगे तो m कुछ इस तरह से है, तो m देखो 1, 1, 11, तो 11 है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, 2 कांटा है, तो यहां पर 2 लिख लिया और यहां पर माइनस। क्लियर हो गया। चलिए और एक बार रिपीट करते हैं। आपको पूछना है यहां पर H लिखना है और यहां पर देखिए M लिखना है, फिर सवाल पूछना है कि घड़ी के कितने कांटे होते हैं, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, तो यहां पर 3 लिख दोगे, और घड़ी कैसे होता है, गोल होता है, तो यहां पर गोल लिख दिया मैंने। फिर M को देखोगे तो ये 11 की तरह है और 11 के बीच में कितने हैं, 2 कांटे हैं, तो यहां पर 2 लिख दोगे, तो हो गया फॉर्मूला। क्लियर हो गया। अब आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से सम सॉल्व करोगे। तो आप देखिए यहां पर मैं 30 लिखता हूं मैं, और यहां पर एच है, एच मतलब जो होता है घंटा होता है, मतलब 8 बजे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा, माइनस 11/2, और मिनट कितने हुए हैं, 40 मिनट हुए हैं, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 40 लिख दूंगा मैं यहां पर मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 × 3 = कितना होगा, 24 होगा, 1 0 7 में आ जाएगा, और यहां पर मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, यहां पर देखो 20 आ गया। अब 11 × 2 = कितना होगा, 22 होगा, 0 यहां पर आ गया। अब इन दोनों को आप माइनस कर लो तो आपका जो आंसर जो है 20 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। तो ये चीज आपको सीख गए हो, अगर नहीं सीख पाए हो तो और एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखिए यहां पर लिखा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड एट 6:20। मतलब घड़ी में अगर 6:20 हुए हैं तो आपको यह बताना है कि 2 सुइयों के बीच में कितना एंगल बना है वो आपको निकालना है। तो क्या करोगे, एक ही फॉर्मूला, एक ही लॉजिक जो आपको सिखाया वो यूज करोगे।
करोगे? सिंपल, आप लिखोगे यहाँ पर H लिखोगे और यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर आप M लिख लोगे। फिर अपने दिमाग से सवाल पूछोगे कि भाई घड़ी में कितने कांटे होते हैं, तो दिमाग जवाब देगा कि भाई 3 कांटे होते हैं। और घड़ी का शेप कैसा होता है? गोल होता है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप M को देखोगे तो ये देखो 1 और 1 11 हो गया, तो 11 लिखोगे। और बीच में क्या है? 2 लाइन है, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर 30 लिख रहा हूं मैं, 6 बजे है तो 6 जो यहाँ पर आएगा, माइनस 11/2 है, मिनट कितना हुआ है? 6:20, मतलब 20 मिनट जो है मिनट है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे। उसके बाद देखिए 6 3 18 हो गया, 10 साथ में आ गया, यहाँ पर कैंसिल किया तो यहाँ पर 10 आ गया, 11 1 11 हो गया, 0 साथ में आ गया। अब 180 में से 110 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है 70 डिग्री आ गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए आपको कुछ चीजें आपको बताना होगा मुझे कि जिससे कोई मिस्टेक। तो अब मैं आपको एक बात बताना जा रहा हूं, देखिए कि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो यहां पर वैल्यू आएगा वो हमेशा 180 डिग्री तक आए तो ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो आइए आपको बताता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपने सीख लिया अगर तो कोई मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर ही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट और बोलते कि आंसर नहीं आया, आंसर गलत आ गया है। वो क्या है देखिए, आइए बताता हूं। यहां पर बोला है देखिए, फाइंड द एंगल मेड बाय आर एंड मिनट हैंड एट 10:10, मतलब 10:10 हुए घड़ी में, तो एंगल बताइए। तो क्या करोगे? सिंपल और लॉजिक लगाओगे जो बताया मैंने। यहां पर आप एच लिखोगे, यहां पर माइनस और यहां पर आप एम लिख लोगे। फिर देखिए दिमाग से पूछोगे कि भाई घड़ी में कितने कांटे होते हैं? घड़ी में 3 कांटे होते हैं, और घड़ी कैसा होता है? गोल होता है। और ये एम को देखोगे तो यहां पर एक डंडा, यहां पर एक डंडा, मतलब 11 हो रहा है, तो 11 के बीच में 2 डंडे हैं, तो यहां पर 2 आ गया। हो गया मेरा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे 30 और देखिए 10 बजे है, मतलब यहां पर 10 आएगा, माइनस 11/2, और मिनट कितना हुआ है? मिनट भी 10 है, तो यहां पर 10 लिख लेता हूं मैं। अब देखिए 3 1 3 हो गया, 2 0 साथ में आ गया, माइनस 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए 11 5 कितना होगा? 55 होगा, ठीक है। अब 300 में से 55 आप माइनस करोगे तो आंसर कितना होगा? 245 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए यही पे मिस्टेक होता है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए आपको ध्यान रखना है अगर 180 डिग्री के ज्यादा होता है तो क्या करेंगे? आपको यहां पे करना है 360 से आपको माइनस कर देना है 245 को, तो आपका आंसर आएगा 115 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 180 के ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है? 360 से माइनस करके आंसर लिखना है। क्लियर हो गया? और एक चीज क्लियर करना था, देखिए हो सकता है कि यहां से आप माइनस कर रहे हो और आंसर माइनस में आ जाए। अब ये कैसे होगा समझाता हूं। देखिए 1:10 होता है तो यहां पर तो 1 ही आएगा, तो 30 लिखोगे, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। उसके बाद आप 11/2 और यहां पर 10 करोगे तो 2 5 10, तो 30 हो गया ये, और 11 5 55 हो गया। अब तो यहां पर माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, ये -25 है, तो 25 को पॉजिटिव में लेकर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंसेप्ट आपको सिखाना था मुझे, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे जो यहां पे स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।